Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of GS Central. आज का ये क्लास करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी का है और ये 19 जून से संबंधित है। 19 जून को जो करंट अफेयर्स हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा करके यहाँ ये क्लास हम लोग अभी करने वाले हैं। आइए इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? जवाब है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना पीएम बीजेपी रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक पहल है। यह योजना जन औषधि केंद्रों के विशेष आउटलेट्स के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। हाल ही में जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन को 6300 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर प्रति पैड ₹1 के न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरा सवाल, अगस्त 2019 के बाद कौन सी वित्तीय संस्था हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की नियामक है, रेगुलेटर है? उत्तर, RBI, रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2019 में राष्ट्रीय आवास बैंक से HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को विनियमित करने की शक्तियां ले ली हैं। हाल ही में RBI ने हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस की औपचारिक परिभाषा भी शामिल की गई है। अब तीसरा सवाल, बीपी सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार 2019 में ऊर्जा खपत के मामले में इंडिया की क्या स्थिति है? हाल ही में जारी, इसका जवाब है 3, भारत की तीसरी स्थिति है, थर्ड रैंक पर है। हाल ही में जारी बीपी सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार 2019 में भारत की ऊर्जा खपत चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे अधिक है, जहां विश्व प्राथमिक ऊर्जा की खपत 583.90 एक्सा जूल तक पहुंच चुकी है। वहीं इंडिया में यह खपत 2.3% बढ़कर 34.06 एक्सा जूल हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि बीपी सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार 2019 में ऊर्जा खपत के मामले में पूरे विश्व में इंडिया थर्ड रैंक पर पहुंच चुका है। चौथा प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की? उत्तर है 41। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोयला क्षेत्र को निजी प्लेयर्स के लिए खोलने के लिए वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। फिक्की के सहयोग से कोयला मंत्रालय ने कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम और खान व खनिज विकास और विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। इस नीलामी से अगले 5 से 7 वर्षों में देश में 33,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश को आमंत्रित करने की उम्मीद है। तब पांचवा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद द्वारा हर साल कितने अस्थाई या गैर स्थाई सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर है 5। भारत को हाल ही में आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थाई सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है। ठीक है, भारत का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। प्रत्येक वर्ष महासभा 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, 10 कुल सीटों में से 2 साल के लिए। हाल के चुनाव में भारत ने 192 वैध वोटों में से 184 वोट हासिल किए। इससे पहले इंडिया को 7 कार्यकाल के लिए इस परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है। यह 8वीं बार है जब इंडिया को इस परिषद का अस्थायी या गैर स्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया है। छठा,
प्रतिवर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सिकल सेल रोग के विषय में लोगों के बीच जो है जागरूकता फैलाना है तथा इसके उपचार के तरीकों के बारे में लोगों को बताना है। विश्व सिकल सेल दिवस, इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2008 में मान्यता दी गई थी। सिकल सेल डिजीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कांगो गणराज्य, सेनेगल, अफ्रीकी संघ, यूनेस्को तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन इत्यादि ने इसका समर्थन किया। पहली बार 19 जून 2009 को यह दिवस मनाया गया था। आइए देखते हैं सिकल सेल रोग क्या है। यह एक आम वंशानुगत समस्या है, हेरिडिटरी है ना, वंशानुगत समस्या है। यह हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली एक असामान्यता है। सामान्य अवस्था में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो है वो गोलाकार होती हैं और उनका जीवन काल लगभग 120 दिनों तक का होता है, परंतु सिकल सेल रोग में लाल रक्त कणिकाओं का आकार हसिए जो एक प्रकार का औजार है, हसिए की तरह का हो जाता है और यह सख्त हो जाती है। इसका जीवन काल मात्र 10 से 20 दिनों तक ही सिमट जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 5 साल बच्चे सिकल सेल रोग के साथ पैदा होते हैं। साथ पैदा इसलिए होते हैं क्योंकि यह अनुवंशिक रोग है। उनमें से आधे बच्चे 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का अगला जो टॉपिक है वो है अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 25 योजनाओं को एक साथ लाया जाएगा। सरकार ने इस बात की अनाउंसमेंट भी की है। 20 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य, इस योजना का लक्ष्य देश भर के ग्रामीण हिस्सों में ग्रामीण नागरिकों को आजीविका सहायता प्रदान करके, खासकर जो प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका समर्थन प्रदान करने के कारण देश के ग्रामीण हिस्सों में होने वाले आर्थिक प्रभाव को कम करना है। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लगभग 25 योजनाओं को एक साथ लाकर देश भर के 116 जिलों में योजना के तहत लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाई है। यह योजना कैसे काम करेगी? तो 6 राज्यों उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 जिलों से कुल 6.7 मिलियन प्रवासी श्रमिक, जो देश के कुल रिटर्निंग प्रवासी श्रमिकों का लगभग 2/3 है, की मैपिंग की गई है। इस योजना के तहत सरकार की 25 योजनाओं में हाउसिंग या गृह निर्माण, नलों का कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध करवाना, सड़क निर्माण इत्यादि की योजनाएं शामिल हैं। वापसी करने वाले जो प्रवासी कामगारों को इस योजना के तहत उनके कौशल के आधार पर काम उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के लिए मई 2020 के महीने में केंद्र सरकार द्वारा अनाउंस्ड 20 ट्रिलियन के राहत पैकेज का हिस्सा है। बजट में वित्त मंत्री ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 61,500 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की थी। 18 जून 2020 को वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 50,000 करोड़ रुपए का संचार किया जाएगा। आज का ये कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर ये अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर भी करें, और अगर इसमें कोई खामी रह गई तो वो भी हमें अपने फीडबैक के रूप में कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो उसको जितनी जल्दी हो सब्सक्राइब कर लें। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।